दोस्तों, ये है चंद्रपुर। चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में से एक है, ये नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। 1981 से पहले ये गढ़चिरौली जिले का हिस्सा हुआ करता था और आज इस जिले का मुख्यालय चंद्रपुर में स्थित है। कई सर्वे के मुताबिक इस शहर का निर्माण एक किले के भांति 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये शहर एराई नदी और जारपत नदी के संगम पर स्थित है। इस शहर के आसपास के क्षेत्र कोयले के परतों से समृद्ध है, जिस वजह से इसे ब्लैक गोल्ड सिटी कहा जाता है। यह शहर 76 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहां की आबादी 3,55,000 से भी अधिक की है। महाराष्ट्र में होने के कारण यहां सबसे अधिक मराठी भाषा बोला जाता है और ये यहां की आधिकारिक भाषा भी है। सड़क पर अगर आपको अधिकतर गाड़ियाँ MH34 नंबर प्लेट की दिख जाएँ तो समझ लीजिए आप महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रवेश कर चुके हैं। त्रेता युग में इसका नाम इंद्रपुर हुआ करता था और आज समय के साथ इसका नाम चंद्रपुर पड़ गया। चंद्रपुर में स्टोनेज के कई सारे ऐसे स्थल मौजूद हैं जो कि पर्यटकों को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन मध्य भारत का एक मेजर पावर स्टेशन है, जो कि 3,340 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ 71% हिंदू, 15.64% बुद्ध और 10% मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। चंद्रपुर की अर्थव्यवस्था यहाँ के कोयला खनन और पावर प्लांट पर निर्भर करती है। ये राजधानी मुंबई से 837 किलोमीटर, हैदराबाद से 414 किलोमीटर और नागपुर से 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के फेमस क्विजीन की बात करें तो आपको यहाँ का साबूदाना खिचड़ी जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ का मिसल पाव, वड़ा पाव और पोहा आपको काफ़ी पसंद आएगा। चंद्रपुर का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क मार्ग की बात करें तो चंद्रपुर स्टेट हाईवे MH233, 243 और 264 से अच्छी तरीके से जुड़ा है। रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ का चंद्रपुर रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो कि नागपुर सेंट्रल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और यह भारत के सभी बड़े शहरों से रेल के माध्यम से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का चंद्रपुर एयरपोर्ट शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका इस्तेमाल सरकारी और निजी कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन आप यहाँ के निकटतम बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट का इस्तेमाल दूसरे बड़े शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में ही जान लेते हैं कि कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहां आपको ज़रूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहां के टोडोबा अंदिरी नेशनल पार्क, भद्रावती जैन टेंपल, छापराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड अर्थ सेंचुरी और आप यहां के थर्मल पावर प्लांट में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।